अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकुद रुमा खान। आज मैं आप लोग के लिए चिकन कांदी स्टिक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होती है। आप इसे काफ़ी देर भी रखेंगे तो भी ये एकदम क्रिस्पी रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कुकुद रुमा खान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के करीब चिकन लिया है, बॉइनलेस चिकन लिया मैंने। उसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, छोटी छोटी बोटियाँ बना लेंगे उसे, और अच्छे से धो के उसका पानी सारा छन्नी में रख देंगे। फिर हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, ये थोड़ा तीखी वाली होती है। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून के करीब। फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ में मैं 1 टेबल स्पून चिकन मसाले पाउडर ऐड कर दूँगी। आप यहाँ पे कोई भी मसाला चिकन का ले सकते हैं, या तो नहीं है तो आप तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर 2 टेबल स्पून यहाँ पे दही ऐड कर दूँगी मैं, दही थोड़ा गाढ़ा लेंगे, 2 चम्मच भर के दही ऐड कर देंगे। फिर 1/2 लेमन जूस ऐड कर देंगे इसमें। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिलाकर, आपके पास अगर टाइम है तो आधे घंटे के लिए रख दें, नहीं तो 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर इसे रख दें, क्योंकि ये मसाला लगाकर हम मैरिनेशन के लिए रखते हैं तो हमारे चिकन के अंदर, उसमें जो पीसेस हैं चिकन के, उसके अंदर मसाले अच्छे से उसके अंदर जज्ब हो जाते हैं। इसलिए इसे ज़रूर रखें 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम इसे, अब मैं यहाँ पर जो चिकन कांडी आती है, स्टिक आती है जो, उसे ले लूँगी और उसमें चिकन की पीस एक एक करके, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 4 से 5 ऐड करेंगे उसके अंदर मसाले के साथ। अच्छे से उसे एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे और फिर उसमें हम स्टिक कर देंगे। मसाला लेकर साथ में, पीस के साथ में चिकन की जो पीस है वो मसाले के साथ आप उसे लगाएंगे। 4 से 5 ही इसमें लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 पीस लगाई है, बस हमारी स्टिक एकदम अच्छी फुल हो जाती है इसमें। इस तरीके से मैं सभी लगा कर रख लूँगी, जितनी भी स्टिक हैं चिकन सब हम अच्छे से उसमें भर लेंगे और रख लेंगे साइड में। ये सभी मैंने चिकन को स्टिक कर लिया है। अब इसे हम इसकी कोटिंग करेंगे। मसाले को मैंने अच्छे से सब बोटियों के ऊपर लगा दिया है। अब इसकी कोटिंग हमें करनी है। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम लिया है। आप ब्रेड क्रम से भी खाली कर सकते हैं, लेकिन साथ में मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम के साथ एक और चीज़ आप मिलाकर बताऊंगी, जिससे ये हमारी जो कांडी बनके, चिकन कांडी स्टिक जो बनती है ना, वो एकदम क्रिस्पी बनती है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होती है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये कॉर्न फ्लेक्स है उसे ऐड कर दूँगी मैं। मकई की जो पापड़ी आती है उसे हमने बारीक बारीक चूरे कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप खाली ब्रेड क्रम भी लगा सकते हैं और दोनों चीज़ मिक्स करके भी लगाएंगे तो आपकी चिकन कांडी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं और कलर भी उसका बहुत ही अच्छा गोल्डन सा आता है। इसे मिक्स करके रख देंगे साइड में। फिर एक अंडा लिया है मैंने और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, 1 चुटकी के बराबर ज़रा सा नमक ऐड किया मैंने। अब अंडे को हम बीट कर लेंगे, अच्छे से इसे बीट करेंगे। अब मैं चिकन सबसे पहले अंडे में डिप करूँगी, अंडे की कोटिंग करेंगे इसे अच्छे से। अंडे में डिप करने के बाद फिर हमने जो ब्रेड क्रम रेडी करके रखा है उसमें ऐड कर, उससे लगा देंगे अच्छे से, उसकी कोटिंग कर देंगे। इसे अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से कोट करेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी चिकन कांडी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आएगा। आप घर में भी बना सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप घर में ही, बाहर रेस्टोरेंट वगैरह जाने का जो खाते हैं उसका टेस्ट घर में ही आएगा।
इस तरीके से मैं सभी बना कर रेडी कर लूँगी। आप ऐसे बना के रख सकते हैं, एक दिन पहले बना लें, आपको रात में रेडी करने हैं रात में कर लें। अब इसे मैंने सब रेडी कर लिए, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल को हम मीडियम पे ही गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल को हीट नहीं करेंगे, मीडियम हॉट रखेंगे। और फ्लेम को भी मीडियम ही रखना है हमें, और मीडियम फ्लेम पे हम अपनी चिकन स्टिक को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं ऐड करेंगे, इसमें दो से तीन ही ऐड किया है मैंने। अब इसे हम फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई होगा तो ऊपर से अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि चिकन की बोटी जो है हमारी कच्ची है चिकन, तो अच्छे से हमारा उसे क्रिस्पी होना चाहिए और अंदर से भी कुक होना चाहिए। उसका साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करके दूसरे साइड से भी हम पकाएंगे। फ्लेम को लेकिन मीडियम पे ही रखेंगे, हाई पे नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे, वरना ये ऊपर से एकदम जले जले सी हो जाएंगी। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम। कलर भी बहुत ही अच्छा प्यारा सा आता है और हमारा चिकन भी अंदर से कुक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारी चिकन कांडी स्टिक बनके रेडी हैं, एकदम बाहर रेस्टोरेंट और ढाबे वाली बनके रेडी हो गई हैं। आप लोग भी इसे घर पे आसानी से ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, दावत पार्टी वगैरह के लिए इसे ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।